नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। बिहार के सियासी नाटक का पटाक्षेप हो गया है। किसी समय प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसी मुद्दे पर हम वेब वार्ता में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप जी। जयदीप जी, क्या नीतीश का फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने का फैसला सही है? देखिए, इसमें सही गलत की तो बात नहीं है, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने अपने कुर्सी को छोड़कर जीतन राम मांझी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया था बिहार में, वो इस भरोसे से बनाया था कि वो जब भी चाहेंगे वो आकर वापस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या मुख्यमंत्री नहीं भी बनेंगे तो वो जीतन राम मांझी वही करेंगे जो कि राबड़ी देवी ने लालू प्रसाद यादव के जेल जाते वक्त किया था, या जो कि पन्नीर सेल्वम अभी तमिलनाडु में जयललिता के मुख्यमंत्री नहीं होने पर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने लगा था कि एक राम जी का वनवास है और भरत जो है पादुका पूजेंगे, राज उनका चलाते रहेंगे, लेकिन सिंहासन असल में दरअसल उन्हीं के नाम रहेगा। लेकिन ये आधुनिक जमाने के भरत निकले, इन्होंने पादुका पूजने की बजाय कुर्सी पर जो है अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी थी जीतन राम मांझी जी ने, इसके साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठ गए थे, जो कि आने वाले समय की राजनीति के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और उस खतरे को भांप कर ही नीतीश कुमार जी ने अपनी जो पादुकाएं सौंपी थी जीतन राम मांझी को, उनको वापस लेने का फैसला लिया। और उनको मुख्यमंत्री खैर बनना ही था, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि जिस पे उन्होंने भरोसा किया उसने उनका भरोसा तोड़ दिया। एक समय नरेंद्र मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश कुमार अब ये कह रहे हैं कि भाई वो मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, वो जो गठबंधन टूटा था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस वक्त वो केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जो कि एनडीए के भी प्रधानमंत्री होंगे, तो वो चूंकि एनडीए के घटक थे और उनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है, या कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा भी रही होगी, इसलिए उनको लगता था कि नरेंद्र मोदी जी को इतना महत्व नहीं मिलना चाहिए, इतनी अहमियत नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि निश्चित तौर पर उनकी अपनी एनडीए के भीतर उनको कम होती हुई दिखाई दे रही थी। तो उस वक्त की राजनीतिक सोच के हिसाब से उनको जो ठीक लगा वो कदम उन्होंने उठाया, लेकिन 16 मई 2014 को ये साबित हो गया कि वो आत्मघाती कदम था। जिस तरीके से बिहार में जबरदस्त सीटें मिली और जनता दल यूनाइटेड को लगभग सफाया हो गया, तो उनको ये लगा कि उनका ये कदम गलत था। उस हार से झेंप कर उन्होंने अपनी गलती गलती की माफी मांगने के लिए, अपनी गलती को सुधारने के लिए, अपनी एक त्याग की प्रतिमूर्ति स्थापित करने के लिए, अपनी एक बेहतर छवि बनाने के लिए उनने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ा था। दरअसल कहीं ना कहीं उनके अहम पर एक बहुत तगड़ी चोट हुई थी, क्योंकि वो अपने पूरे प्रचार के दौरान भी ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की कोई हवा नहीं है, ब्लोअर से हवा चलाई जा रही है, ब्लोअर की हवा को तूफान और सुनामी का नाम दिया जा रहा है, इस तरह का प्रचार नीतीश कुमार करते थे लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन उनको समझ में आया कि ये दरअसल ब्लोअर नहीं, सचमुच का एक तूफान था, एक सुनामी थी, जिसने इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में, तो उन्होंने उस वक्त अफसोस भी किया होगा। अपनी गलती को ठीक करने के लिए, अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए उन्होंने त्याग करने की कोशिश की, लेकिन वो त्याग उनको उल्टा पड़ गया। तो क्या भविष्य में उम्मीद करें कि नीतीश अपनी इस गलती को सुधारेंगे? देखिए, उन्होंने एक माफ़ी तो मांगी है, हालांकि उन्होंने माफ़ी अरविंद केजरीवाल की तर्ज में मांगी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली छोड़कर भाग जाने के लिए दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि सारे देश में जाकर चुनाव लड़ना उनकी भारी भूल थी, उनको दिल्ली नहीं छोड़नी चाहिए थी, और दिल्ली की जनता ने ना केवल उनको माफ़ किया बल्कि बढ़ चढ़ के गले लगाया और सिर पर बिठाया और उनको 67 सीटों का महाजनादेश दे दिया। ऐसा नीतीश कुमार आने वाले बिहार के चुनावों में दोहरा पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है दिल्ली और बिहार की स्थिति में, जैसा मैं कहता आया हूँ, बहुत अंतर है। दिल्ली में एक शहर के जो लोग हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, दिल्ली का मानस जो है वो बहुत अलग है, और बिहार का जो मानस है, बिहार की राजनीति जिस तरीके से चलाई जाती रही है वो बहुत अलग है। इसमें खासतौर पर एक पक्ष जीतन राम मांझी का और महादलित होने वाला मामला भी है, जिससे कि महादलित जो सोचते होंगे कि उनके जो जाति का व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया और उसको यूं हटाया जाना नीतीश कुमार द्वारा, वो उनको मुझे लगता है भारी भी पड़ सकता है। अब कुल मिलाकर अगले 5-6 महीनों में किस तरह से पत्ते नीतीश कुमार खेलते हैं, बिहार में किस तरह विकास के कार्य करते हैं, किस तरीके से अपनी खोई हुई छवि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी माफ़ी और केजरीवाल की माफ़ी में ही अंतर है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं थे और वो आना चाहते थे और वो सपने दिखाकर वापस आ सकते थे। अभी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, चौथी बार बने हैं, और अब अगले 5-6 महीनों में उन्हें कोई ऐसा जादू, ऐसा करिश्मा करके दिखाना होगा कि बिहार की जनता आने वाले 5 सालों के लिए फिर से उन पर भरोसा कर ले, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की जी की और अमित शाह की जो जोड़ी है वो भी अपनी जुगत भिड़ाकर बिहार को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, खासतौर पर जो सबक उनने दिल्ली से लिए होंगे। मुख्यमंत्री बनने के पीछे क्या ये उनकी एक हार का डर है जो आने वाले चुनाव में देखा जा रहा है? नहीं, हार
पार्टी को बचाना। दरअसल अब जनता दल यूनाइटेड का पूरा भविष्य राजनीति, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में तो उनकी भूमिका कम हो गई, राष्ट्रीय राजनीति में उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए थी वो कम हो गई, कम से कम प्रदेश की राजनीति में उनकी पार्टी की जो अहमियत बनी हुई है वो बरकरार रहे, इसकी सारी जो सारा जो दारमदार है वो नीतीश कुमार जी के ऊपर है। भाई शरद यादव तो एक तरीके से बैकग्राउंड में रहकर अपनी जो भूमिका है उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब बचा कौन है? तो नीतीश कुमार जी की कोशिश रहेगी कि जनता दल यूनाइटेड और उसके कार्यकर्ता हताश न हो, उनको ये लगे कि उनका अपना राजनीतिक भविष्य बिहार में उज्जवल है और वो एक लोकसभा चुनाव में पिछड़ जाने के कारण परिदृश्य से बाहर नहीं हुए हैं। और खासतौर पर अब जो चुनाव आ रहा है बिहार का वो बहुत अहम चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा की अपनी सीटों को बढ़ाने के लिए, सारे प्रदेशों को जीतने के लिए बहुत भयानक तरीके से आतुर है, तड़प रही है। दिल्ली की हार का दंश उनके ऊपर है, उस हार से सबक लेकर वो भी नए सिरे से जुटेंगे भिड़ेंगे अपनी रणनीति में। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार जी के पास है, ये उनके लिए एक अच्छा अवसर है, अच्छा उनके पास एक मौका है कि वो कोशिश करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के रथ को जो दिल्ली में रोका गया है उसको बिहार में भी प्रवेश न करने दें। क्या उन्हें लालू यादव के साथ गठजोड़ का कोई फायदा मिल पाएगा? देखिए, हमने कुछ हद तक तो देखा है उनको फायदा मिलते हुए कुछ जो उपचुनाव में, और इसमें जो उनको फायदा मिला है इस गठजोड़ का, उसमें वो भारतीय जनता पार्टी को इस परिदृश्य से बाहर रखने में सफल हुए हैं। और उनको जो लोकसभा की हार का सबक मिला था, जिसकी वजह से ये दो धुर विरोधी, दो विपक्ष एक दूसरे का हमेशा मुखालफत करने वाले लोग एक दूसरे के साथ आके खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा तो उनको हासिल हो सकता है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे बिहार की सियासत पर, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।